नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मित्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए एक्सचेंज के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो इथरी कैश है हमारा, जिसमें हमने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था, वो एक नए एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। तो आज हम लोग उसी के सिलसिले में बात करेंगे, कैसे आप लोग उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, कौन सा वो एक्सचेंज है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दिख रहा है, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके पास एक बेल का आइकन आएगा, सिंपली आप उस पर प्रेस दीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां आप लोगों को मिलती रहेगी, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ईथर ईकैश जो हमने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था, वो आज लिस्ट हो चुका है नए एक्सचेंज पे। वो एक्सचेंज कौन सा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इस एक्सचेंज का नाम है cryptos.com। तो ये एक्सचेंज है जहां पे हमारा ईथर ईकैश लिस्टेड हुआ है। अब इसमें आप लोगों को कैसे अकाउंट बनाना है उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अब आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक को ओपन करते हैं, आप लोगों को कुछ मेन इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। अब आप लोगों को यहाँ पे दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक क्रिएट अकाउंट का दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है साइन इन का। तो आप लोग सिंपली करेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाएंगे दूसरे पेज पे इसके, और यहाँ पे आपके पास खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए, आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास कुछ ऐसा खुला है। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना पर्सनल और कॉर्पोरेट दो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग पर्सनल सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने पर्सनल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी का। आप लोग करेंगे कि अपनी ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है पासवर्ड का, आप लोग अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, जिसके अंदर एक लोअर केस, अपर केस और एक नंबर भी होना चाहिए, तभी आप लोगों का पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग पासवर्ड डाल देंगे, नीचे आप लोगों के पास एक फर्स्ट नेम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग डाल देंगे अपना फर्स्ट नेम, और नीचे एक ऑप्शन है आप लास्ट नेम का, यहाँ पे डाल देंगे आप लोग लास्ट नेम। जैसे आप लोगों को ये कंप्लीट होता है, नीचे आपके पास नेक्स्ट का एक बटन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इसके दूसरे पेज पे, जहां पे आप लोगों को रिव्यू डिटेल्स करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप लोगों को ऑप्शन में टिक करना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन होगा, वो आप लोग टिक कर देंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाएंगे इसके दूसरे पेज पे। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा साइनअप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपका साइनअप प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होता है, आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपके मेल आईडी पे जो आपने मेल आईडी डाली है, वहां पे आप लोगों को एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जहां पे आप लोगों को उस मेल को कंफर्म करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेल कैसा आता है। देखिए, मैंने अपना जीमेल अकाउंट खोल लिया है, मेल आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आप लोग करेंगे कि आप लोगों के पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंफर्म माय अकाउंट, सिंपली आप कंफर्म माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोगों की मेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। देखिए, मैंने माय कंफर्म माय अकाउंट पे क्लिक किया और मैं पहुंच गया हूं उसके दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे जाने के बाद मेरी जो ईमेल आईडी है वो कंफर्म हो जाएगी और मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे लॉगिन करने का। जैसे मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा इनके मेन डैशबोर्ड में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए मेरे पास ऑप्शन आ चुका है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का। जैसे मैं ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसमें एंटर होता हूँ, वो मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखाता हूँ कैसा दिखाई देता है। देखिए, मैं हो चुका हूँ इसमें एंटर और मेन इंटरफेस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इस तरह दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, कैसे इसमें ट्रेडिंग हो रही है, कैसा क्या सब कुछ हो रहा है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। इस इंटरफेस में आप लोगों को देखने को सारा कुछ मिल रहा है। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ईथर ई कैश में, तो हिट बीटीसी पे लिस्टेड था जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन हिट बीटीसी पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब ये लिस्ट हो चुका है क्रिप्टोस एक्सचेंज पे। अगर आप लोग इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्रिप्टोस एक्सचेंजेस को बाय कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इस एक्सचेंज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कैसे इसमें फंड डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रेडिंग करने है। आने वाली वीडियो में आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।